तो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो दिल से स्वागत है, आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड, मैं आप लोगों को क्या कहूँ कि कुछ कहने के लिए बची नहीं है। मैं किसी का बुराई भी नहीं करना चाहती हूँ, मैं किसी को बोलना भी नहीं चाहती हूँ, और किसी को मैं कुछ कहना भी नहीं चाहती हूँ। इसलिए ये चीज तो मैं जान गई हूँ जिंदगी में पहली बार कि बड़े बड़े स्टार मतलब बड़े बड़े सब्सक्राइबर क्यों हम छोटे सब्सक्राइबर को कभी मतलब मिलने नहीं देते हैं। पर क्यों नहीं मिलने देते? इस वजह से कि बाद में तुम्हारे बारे बोलेगा, इस वजह से मिलने नहीं देता है। और ये चीज तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। फ्रेंड रुको, देखो कौन देखेगा। तो चलिए फ्रेंड, फिर से मिलते हैं। हम जो कॉफी पीने लग गए थे, और मैं कहाँ तक थी, मैं यही तक थी कि बड़े बड़े सब्सक्राइबर यूट्यूबर क्यों हम लोग को सपोर्ट नहीं करते। इस वजह से सपोर्ट नहीं करते कि कल को हम लोग उसी के बारे बोलने लगते हैं, इसलिए हम लोग को सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन मैंने किया, मुझे धोखा मिला, मैं मानती हूँ मुझे धोखा मिला, मुझे बहुत कुछ सुनना मिला। पर अब कमेंट में भी अब रिप्लाई आने लगा बहुत ज्यादा। क्यों? बस वो सच है और हम लोग झूठ है। ठीक है भाई, तुमको जैसा मन करता है तुम वैसा करो, हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सच हम लोग के पास है। सच जो हम लोग बोल रहे वो सच आप लोग नहीं मान के झूठ मान रहे हो, तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। एक बोलते हैं ना, क्या अंधा कानून होता है, क्या वही है ना, वही हो रहा है। तो बस मैं एक चीज सीख गई हूँ, मैं आज के बाद किसी के लिए कोई सपोर्ट नहीं करूंगी। और यूट्यूब से तो कोई अगर मुझे हेल्प भी मांगेंगे तो भी मैं नहीं करूँ, क्योंकि आज मैं यहाँ मैं देख रही हूँ कि मेरे साथ मतलब हम लोग के साथ इतना कुछ हो गया है और उसकी तरफ चल गया है जिसके खिलाफ वो लोग वीडियो बनाए हैं। समझ रहे हैं? तो ठीक है, हम लोग गलत है तो गलत है, सच का कोई सुनता भी नहीं है। पुलिस यहाँ, सच का पुलिस भी नहीं सुनता है, अदालत कहाँ सुनेगा, पुलिस भी नहीं सुनता है सच का, कहेगी झूठे का हरदम सुनता है। तो कोई बात नहीं, आप लोगों का जैसा कमेंट करना करो। मैं तो आप लोग अगर वो सोच रहे हैं कि हम ब्लॉग बनाना बंद करें, ऐसा कभी हो नहीं सकता। बहुत सारे लोग भी बोल रहे हैं कि पूजा और मेरे हस्बैंड के बारे कि जैसे कि उसका भाई 3-4 लड़की शादी किया, तो पूजा तुम भी उसके हस्बैंड के साथ सेटल हो जाओ। क्या आपकी बीबी, आपकी बहन, क्या आपकी जो भी है, क्या ऐसे करते हैं? आज का डेट में 7 शादी कर सकता है, ये चीज हम जानते हैं, इसीलिए हमको ना ही सिखाया तो ये अच्छा है। और मेन बात, मेरे हस्बैंड उस तरह नहीं है जो बुरी नजर डालते किसी और के जैसे लड़की। अगर आपकी हो, आप लोग अगर कुछ लोग जैसा कमेंट कर रहे हैं पूजा के बारे और मेरे हस्बैंड के बारे, अगर आप लोग अगर होंगे माँ बहन कुछ भी आप लोग अगर करते होंगे तो ये हम नहीं जानते। ठीक है ना, मैं बस शायद अगर आपके परिवार करते होंगे तभी आप लोग ऐसा कमेंट कर रहे हैं और गाली। हाँ, मुझे भी मोटी भैंसी बहुत चीज बोला जाता है, लेकिन हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आएगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप लोग बहुत अभी से नहीं, टिकटॉक समय से मुझे बोला गया है। जब टिकटॉक में चलाती थी तब से मुझे बोला गया, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लड़की अगर मोटी है तो बहुत खाती है, हाथी है, कैसे वीडियो बनाती है। अगर लड़की पतली हो तो बोलती है शायद उसका पति नहीं खिलाता हो, शायद इसका पति के पास पैसे ही नहीं हो खिलाने का, ये चीज भी होता है। मतलब पतला हो तो दिक्कत, मोटा हो तो दिक्कत, ना सपोर्ट करो तो भी दिक्कत। तुम सपोर्ट करो तो तुम अच्छी हो, तुम नहीं सपोर्ट करो तो तुम गंदी हो। मैं तो ये चीज सोची नहीं थी, मुझे पता नहीं, मेरा दिमाग ही नहीं था कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी को सपोर्ट करने ही नहीं चाहिए। बस मुझे एक दीदी ने कहा था कि देखना रजनी, तुम्हारे साथ ये होगा, आखिर के आज यही दिन हुआ। और मैं ये कहना चाहती हूँ, रानी कुछ भी की मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग सच देखना नहीं चाहते हैं और आंख में आप लोगों को पर्दा लगा हुआ है। ठीक है ना, आप लोग सच देखना नहीं चाहते, आंख में पर्दा लगा हुआ है। तो आप लोग इतना कब से हमको जानते हैं ये चीज बताइएगा।
बहुत सा लोग है जो टिकटॉक समय से जानते हैं, अभी नहीं टिकटॉक समय से, यानी कि टिकटॉक कब बंद हुआ, शायद 2020 में, शायद कि 2022 में, कब तो बंद हुआ, नहीं 2018 में शायद बंद हुआ था, तब से हमको जानते हैं। और अभी कुछ लोग आएंगे मेरे बारे बोलेंगे और वो सोचेंगे कि मैं ब्लॉग बनाना बंद कर दूं, नए ब्लॉगर आके कुछ सब्सक्राइबर कुछ व्यूज पाने के लिए मेरे बारे बुराई करके व्यूज पा रहे हैं, तो आप समझ ही सकते हैं हम लोग तो पुराना है। कुछ लोग बस क्या करें पता है, जब उसके मार्केट डाउन होते हैं तब रजनी सीमल आ गई है, तब रजनी सीमल मनीषा आ गया है, तब रजनी रानी आ गया है, बस ये चीज हमेशा रखता है, ठीक है। तो आप देख लीजिए हम लोग को तो काफी लोग बहुत पुराने से जानते हैं, और अभी कुछ महीने या कुछ साल हम लोग को तो हो गए हैं 5-6 साल वीडियो रील्स बनाने का आदत, और हम लोग तो सब सुनने आए और सुन भी लेते हैं, और क्या कुछ लोग को वीडियो पसंद नहीं आते तो कमेंट कर देते हैं, लेकिन इतना भी हद से ज्यादा कमेंट मत करो कि हम लोग भी रिप्लाई करने का जवाब दे, ठीक है ना। आप लोग सोच रहे कि रजनी कमेंट ऑफ करके रखी है, लेकिन रजनी कमेंट ऑफ करके नहीं रखी है, यूट्यूब ही बंद करके रख दी है, यूट्यूब जिसका है ना वही बंद करके रखे कि रजनी को गाली ना मिले, ये चीज भी अच्छी तरह जान लीजिए आप लोग। तो कुछ नए यूट्यूबर के आने से रजनी किसी से डरती नहीं है, और धमकी कहीं और देना हमें नहीं, ठीक है। मैं यहाँ 12 साल गुजारी हूँ, मुझे पता है यूट्यूब सोशल मीडिया का मतलब क्या होता है। सोशल मीडिया का मतलब होता है कि अच्छा अच्छा ब्लॉग बनाओ, अच्छा कुकीज दिखाओ, अच्छा हर कुछ, मतलब ब्लॉग का मतलब अच्छा अच्छा चीज दिखाओ। ये तो ये लोग क्या बोलो, व्यूज जब जब डाउन होते आ जाता है रजनी सीमल लेके, क्या है भाई रजनी सीमल का व्यूज इतना ही पसंद है, और बोलते हो नहीं रजनी लोग तो किया ही क्या। अरे कम्युनिटी बॉक्स में देखो सबसे ज्यादा किसका डाला हुआ है, सबसे ज्यादा कौन कौन लेडीज का कम्युनिटी में लगा हुआ, ये चीज भी गौर कीजिएगा आप लोग। खाली रजनी सीमल कर देता ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो वही हम कहना चाहती है आप लोगों को, क्योंकि मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैं बस मेरे हस्बैंड को लेके बोला गया पूजा को साथ में लेके। देखो जीजा साली में तो जीजा साली के मेरे हस्बैंड बहुत दूर रहते हैं, मैंने बस लड़कियों से बहुत दूर रहते हैं, अभी मेरे घर में मेहमान भी आते हैं ना, रानी भी आती है ना, तो उससे वो जहाँ बैठेंगे वो उसके साथ नहीं बैठेगा, ठीक है। और बर्थडे में बहुत सारे लोग भी आए थे, वो जानते भी है कि मेरे हस्बैंड किसी से हेलमेल नहीं करते हैं, फिर भी जान बूझ के अगर आप लोग कमेंट कर रहे हो तो करो, दिल को सुकून पहुंचा रहे हो। और कौन कौन मेरे बारे ब्लॉग बना रहे हैं कि रजनी की है, अरे भाई रजनी कुछ नहीं की है, वो जो फोन करके बोला जा रहा है ना कि रजनी के खिलाफ वीडियो बनाओ, क्योंकि तो आप लोगों का तो आईडी भाई डाउन रहता है ना, तो व्यूज और सब्सक्राइबर के लिए इतना तो कर सकते हो, इंसान बोलता है ना जहाँ फायदा हो वहीं घुस जाओ, वही हो रहा आप लोगों के साथ, आप लोग वही कर रहे हो, पर आप ये नहीं देख रहे हो कि मैं 6 साल से मेहनत कर रही हूँ, टिकटॉक समय से मेहनत कर रही हूँ, बस आप लोगों के वजह से ना हम जैसे लड़की लोग ना पीछे हो जाते हैं, पर ऐसा गलत मत ऐसा सोचिए कि नहीं कि हम पीछे हो जाएंगे, हम बोलेंगे जब तब तक बोलेंगे जब तक हम रहेंगे। और YouTube में ना इतना गंदा मत करो, ठीक है ना, हम और जो बोलते हैं ना कि हम लोग गंदा करते हैं, क्या हम लोग कचरा लाके YouTube में फेंक रहे हैं, खुद तो करती कुछ और बोलती कुछ और, छोड़िए क्या बोले ऐसे लोग से, तुम बेकार हम बोलना भी नहीं चाहते इंसान। मैं तो एक चीज जरूर सीखी हूँ, कभी वो दिन इंसान को भूलना नहीं चाहिए कि जो करता है उसका कभी एहसान नहीं भूलना चाहिए, और मैं ये चीज कभी नहीं भूली हूँ, मैं वो मेरे लिए की है, मैं मुझे पता है क्या किए क्या नहीं, पर वो भूल गई है कि हम उसके लिए क्या किए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता यार, जिसको जितना ब्लॉग बनाना बनाओ। पर हाँ क्या बोला, चलिए फ्रेंड आज के ब्लॉग यही रहेगा, और वीडियो अच्छा लगे तो आपके मन से करना, नहीं तो मत करना, क्योंकि फिर मैं तो फिर बोलेंगे फोर्स किया जा रहा है इसमें भी। और बहुत जल्द आप लोगों को जिसका इंतजार था ब्लॉग का, वो ब्लॉग कल हम लोग क्या बोलते हैं उसको,
फेस टू फेस आप लोगों को वो ब्लॉग दिखने मिलेगा, यानी तो लाइव आएगा, लाइव में आपको दिखने मिलेंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किस लिए ऐसे की, वो किस वजह से की, ये चीज आपको पूरा सबूत के साथ तौर के साथ आप लोगों को दिखेगा। आप लोग इंतजार करो, तब तक के लिए चलिए नमस्ते आप सबको और बाय। मजा आ रही, मेरी कॉफी ठंडा हो रहा पीने, तो आप लोग बने रहे ऐसे।